शर्ट खोल ले तो वही शर्ट ले जा सकता है ब्रो। मैं कितना मस्त लग रहा हूँ। दोनों ही मस्त लग रहे हैं भाई, स्मार्ट तो है हम दोनों, बस तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी नहीं है। आज हम लोगों ने जाना है अहमदाबाद और सुबह के 5:30 बज चुके हैं। अभी अभी जस्ट उठ के मैं नीचे आया हूँ, ठीक है। हमारा भाई उठने के बाद भी सही लगता है, स्मार्ट लगता है। Funny. तो गाइज अभी हम लोगों को, मेरे को मेरी 90% पैकिंग हो चुकी है, 10% रह रही है और मेरी फ्लाइट है 11:45 की। बट मेरे को 8 बजे यहाँ से निकलना है और 5:30 हो चुके हैं। अभी मैं जल्दी से नहा धो के फ्रेश होके रेडी होके अपनी जो लास्ट पैकिंग रह चुकी है, फाइनल जो भी रह गया है सेटअप करना, वो करता हूँ और फिर निकलना है जल्दी से। अभी गीजर ऑन करके नहा के एंड फिर रेडी होता हूँ। सो गाइज मैं तो हो चुका हूँ रेडी एंड अभी खाना खाना है बस। मैंने मम्मी ने खाना बना दिया है, आलू की सब्जी और साथ में पूड़ी। तो सुबह सुबह खाना खा के 7:30 बज चुके हैं, 8 बजे मैंने निकलना है। मेरी 11:45 की फ्लाइट है और अभी निकलना है हम लोगों ने थोड़ी देर में। अभी भूख लग रही है, जल्दी से खाता हूँ मैं एंड फिर शूज पहन के तुम लोगों को लुक भी दिखाऊंगा। मैंने जैकेट अभी इसके ऊपर तो जैकेट पहनू, वैसे तो ये गर्म शर्ट है बट उसके ऊपर फिर से जैकेट भी पहनूंगा मैं, तो देखते हैं कैसा लुक आता है। पता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। आशीर्वाद तो टीम जिता के लाएंगे हम अपनी, ठीक है, और मजे करके आएंगे, ठीक है। जा रहा हूँ मैं। हाँ तो गाइज अभी मेरे नीचे कैब आ चुकी है, ठीक है, और टाइम हो गया है 8:40। थोड़ा सा डिले है बट ठीक है, वैसे भी 11:45 की है तो टाइम लग ही जाएगा वैसे वहाँ पे, बट ठीक है चलो निकलते हैं। बाय बाय, जा रहा हूँ मैं। वैसे एयरपोर्ट एंटर कर चुका हूँ मैं, पहली बार फ्लाइट। तो गाइस हो चुका है मेरा बोर्डिंग पास, चेक इन जो भी कहेंगे इसको, सब कुछ हो चुका है, ठीक है, सेटअप डन। और अभी मैं अंदर आ चुका हूँ एयरपोर्ट में। तो ये है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और यहाँ से अभी मेरा टाइम हुआ है अभी 10:18, मेरे पास 1.5 घंटा है पूरा का पूरा, ठीक है। पहली बार आया हूँ तो भाई एक्सपीरियंस तो ठीक ही था भाई। भाई मैं 15 मिनट से लाइन में लगा हुआ, एक अंग्रेज एक आया, पहले तो इंडियन, ठीक है, लाइन में लगा, सबने हटा दिया, अब आया एक अंग्रेज। अब मेरा मन था कि नहीं था मैं हटाऊं कि ना उसको, मैं कह यार चल ठीक है लगने दे कोई नहीं। फिर अंग्रेज के भाई इतने सारे कपड़े, एक तो पहन के आया था पता नहीं भाई, इतनी भी ठंड नहीं थी पर उसने तो भाई तीन तीन जैकेट पहनी हुई है, फिर ये सब पहना हुआ है भाई साहब, भसड़ अलग थी इसकी। तो उसने तो अपने कपड़े उतारने में अपना सारा कुछ लगे 10 मिनट तो उसने लगा दिया खड़े खड़े। फिर अभी निकल के जस्ट आया हूँ मैं अंदर, अभी मेरे को गेट नंबर 30 पे है मेरी फ्लाइट, तो देखते हैं अभी कहाँ पे है। पहले देखता हूँ कुछ खाने पीने का सीन है कि नहीं। तो गाइस बस मैं आ चुका हूँ, अभी जा रहे हैं हम लोग एयरपोर्ट पे, तो मतलब है अभी प्लेन के पास जा रहे हैं। मतलब मैं सच बताऊं तो मैंने प्लेन भी पहली बार खड़ा देखा है अपने असलियत में, इतना बड़ा होता है कि नहीं। हवा में बहुत छोटा लगता है, अब बड़ा लग रहा है, ठीक है, देख लिया मैंने आज। अभी इसके अंदर बैठेंगे भी, देखते हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहता है। चलो चलो गाइस, फर्स्ट फ्लाइट एवर, ठीक है, ये रही हमारी फ्लाइट और पता नहीं मुझे सीट किधर है बट ठीक है, हम आगे से ही चढ़ेंगे। भाई इंजन की आवाज देख रहे हो, to the bottom of the bottle, I've been drowning, I've been floating away. तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अहमदाबाद फाइनली। भाई कैमरा क्या लग रहा है भाई मेरा, बट ठीक है। यहाँ पे प्लेन की आवाज से तुम्हें शायद मेरी आवाज आ रही होगी बट अगर आ रही है तो हाँ सुन लो। बहुत ही मजा आया, फर्स्ट मेरा जो मजा था पहली बार बैठ के, मतलब जैसे उड़ रहे थे ना तो थोड़ा सा डर लगा, मतलब मेरे को उम्मीद थी कि ज्यादा डर लगेगा बट नहीं, थोड़ा सा ही डर लगा मुझे और मैं ठीक ठाक हम गए। उतरते वक्त भी ऐसा मतलब लगा नहीं भाई, बिल्कुल सेफली ऐसा लैंड किया उसने, मतलब मेरे को लग रहा था थोड़ा बहुत इधर उधर होता होगा कैमरा ऐसा वैसा, बट नहीं कुछ भी नहीं हुआ, सही से लैंड हुआ एंड फिर हम लोग आ गए। अभी बस फुल हो चुकी थी तो दूसरी बस आएगी उसके अंदर जाएंगे, तो हम यहाँ थोड़े बहुत ही लोग खड़े हैं, मतलब अभी वेट कर रहे हैं दूसरी बस का। धूप बहुत ज्यादा है भाई, जेन्युइन बताऊं तो गर्मी लग रही है अभी यहाँ पे, क्योंकि मैंने जैकेट बहुत मोटी पहनी हुई है। बैग भी आ गया है गाइस अपना, लेट्स गो टू द एग्जिट, पर ये नहीं पता है कहाँ से, गजब बेइज्जती है। हाँ चलो भाई एग्जिट ढूंढते हैं, कहीं पे तो होगा, हमें रख के क्या करेंगे एयरपोर्ट वाले, एग्जिट ही करवाना है हमें भी। उनको बाल देखना पूरे पूरे ऐसे, ये सिल्की बालों का अलग नशा है। चलो ऐसे दिल्ली में ज्यादा सुंदर लड़कियां हैं अभी तक तो भाई नहीं देखी कोई अच्छी खासी, बट मतलब जो पसंद है, बट ठीक है आगे जाके इवेंट में देखते हैं क्या सीन है। तो गाइस मैंने यहाँ पे उबर कर दी अपनी, अभी मेरी 2-3 मिनट में उबर कैब भी आने वाली है और उसके बाद हम लोग चलेंगे होटल। मस्ती जा चुका सीधा इवेंट के ऊपर, ठीक है, मतलब जहाँ स्टेडियम पे, और मेरे को अभी टाइम लगेगा क्योंकि मैं पहले होटल जाऊंगा, सामान रखूंगा, फिर वहां से स्टेडियम,
जैकेट उतार के जाऊँ भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है अभी यहाँ पे, तो ठीक है लेट्स सी आगे में भी। सो गाइस होटल में मैंने सामान रख दिया है, अभी मैं जा रहा हूँ सीधा लैन, ठीक है नीचे भैया खड़े हैं कैब वाले और वहाँ जाते हैं सबसे मिलते हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं वैसे तो, पर लेट्स सी क्या कितनी देर में पहुंचते हैं, मेरे हिसाब से 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं। सो गाइस वीआईपी एंट्री हो चुकी है अपनी, ये देखो ठीक है वीआईपी एंट्री, और अभी नीचे चेकिंग वगैरह हो चुकी है, ये जो मेरी टी शर्ट थी, जो मेरी जैकेट थी सॉरी, वो मैंने हटा दी है और अभी बिल्कुल टी शर्ट निकाल लूं बाहर एंड देन चलते हैं। यहाँ पे आ गया एंट्रेंस वीआईपी, किधर से जाना है भाई, चलो गाइस। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ इवेंट पे, और यहाँ पे पीछे देखो अभी तो क्राउड चालू भी नहीं हुआ, मतलब अभी थोड़ा सा ही क्राउड है, और यहाँ पे ये रासली स्टेज जो की है भाई, कितना बड़ा है भाई, ये सीरियसली फुटबॉल का, और भाई मैंने तो जिंदगी में फुटबॉल देखा भी नहीं है, एक मैच तो अच्छा है, मजा आएगा अभी, मस्ती पता नहीं कहाँ है भाई, कॉल कर ले तो उठा नहीं रहा है मस्ती अभी भी कॉल, लेट्स सी, पता नहीं यार दूर से दिख जाना चाहिए वैसे मस्ती, क्योंकि हैवी बंदा है थोड़ा सा, पर पता नहीं कहाँ है यार, पर बंदे दिख रहे हैं मुझे लग रहा है उधर ही होगा कहीं पे, तो देखो वो दूर दिख रहा होगा आपको कोई बंदा, एक पतला सा बंदा जाता हो दिख रहा है वो रहा, साथ में कौन है, हरीशेफ भाई, गाइस हम आ चुके हैं, मस्ती भाई से मिल लिया, ऋषभ भाई से मिल चुके हैं, और यहाँ पे मस्ती के साथ में उसका एक दोस्त आ रखा है, तो ये लेके आया स्पेशल यहाँ पे ढोकला, ठीक है तो गाइस मैं दिल्ली का ढोकला खाया हुआ है मैंने, अभी यहाँ पे ये लेके आया है गुजराती ढोकला, तो मैं पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ कैसा ये, बट मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में और इसमें डिफरेंस तो होगा, थोड़ा डिफरेंस है दिल्ली के और इसमें, दिल्ली का थोड़ा सा मीठा टेक्सचर होता है, इसमें मीठा नहीं है ये, बहुत दिल्ली में स्पंजी वगैरह होता है ये, बट ठीक है ये भी ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है उससे। गाइस मैं और मस्ती आ चुके हैं अंदर, हमारा खाना आ चुका है, ठीक है मैंने लिया है थोड़ा सा नॉन वेज भी और साथ में वेज भी, मस्ती भाई वेजिटेरियन, थोड़ा सा खाना लिया मस्ती भाई ने भी, थोड़ा सा मैंने लिया है, हम दोनों डाइटिंग पे, डाइटिंग पे है, तो आज थोड़ा सा मतलब ऐसे रसमलाई थोड़ी सी ऐसे, मैं तो नहीं खाता भाई मीठा मीठा, मैं तो मीठा मीठा नहीं खाता, ठीक है नहीं खाता गाइस, ठीक है तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, आके बनती तुम्हारी, तो अभी हम लोग खाते हैं उसके बाद ताजा, तुम लोग खाना कैसा था, प्लेयर्स कैसा फील कर रहे होंगे खाने के बाद हम बताएंगे। तो गाइस मेरे अपने लौंडे हाँ भाई चक दे फटे, स्टेज पे जाने वाले हैं अभी ये लोग, ठीक है सारी टीम्स के प्लेयर रेडी हो चुके हैं और अपनी टीम के प्लेयर भी रेडी हैं, सो लेट्स सी भाई, लेट्स होप फॉर द बेस्ट भाई, फर्स्ट डे यार, ऋषभ भाई को ना जर्सी पहनने नहीं दी इन लोगों ने, फिफ्थ मैन है ऋषभ भाई वरना तो पहन लेते, बट हमारी जर्सी आती तो आज हम भी पहनते हैं यहाँ पे बैठ के, हम भी नहीं पहनते यहाँ पे, वैसे और किसी ने अपनी अपनी मतलब जो सिक्स्थ मैन वगैरह जो टीम के बंदे आए हुए हैं तो उन्होंने पहने हुए हैं, बट प्लेयर्स को नहीं पहनने दे रहे, तो हमारे फिफ्थ मैन है ऋषभ भाई इसलिए नहीं पहन पा रहे। तो गाइस बैक स्टेज अपने फिफ्थ एंट्री है हमारे लौंडों की, उसके बाद हम लोग आगे चले जाएंगे, ठीक है तो यहाँ पे सारे खड़े गिरे, ठीक है लाइन लगी हुई है, ये असिस्ट कर रहे हैं भाई इनको, और अपने चारों लौंडे लगे हुए हैं, अभी पीछे म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक जैसे ही बंद होगा और वैसे ही एंट्री चालू हो जाएगी। तो गाइस हम लोग आगे आ चुके हैं, ठीक है अभी ऋषभ भाई भी आगे बैठेंगे मेरे साथ, मस्ती वहाँ बैठा है, हम लोग जा रहे हैं अभी बैठने, लेट्स गो भाई, शूट तो गजब हुआ इनका भाई, कुछ भी कहो, गेम शो एंड द वॉर, रेडी नाउ गाइस, इट इज टीम हाइड्रा, ए लाइट रहा भाई। सो गाइस फर्स्ट मैच ठीक है, पहला मैच चालू हो चुका है, ये मैं टीम हमारी टीम हाइड्रा होने वाले हैं, मुझे लगता है टीम ब्लाइंड इसका ज्यादा, ये पीछे क्या देख रहा है ये बंदा, क्या देख रहा है, दो लव बर्ड्स ये आपस में गाइस, ऋषभ भाई को गद्देदार लग रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं गाइस, पहले मैच का जोन देखो, सेक्सी भाई अपने अपने लौंडों के पास, क्या भाई अकेले अकेले भाई यहाँ पे भाई, लोनली लोनली फील हो रहा है ऋषभ भाई, ओ ऋषभ भाई यार लोनली लोनली फील हो रहा है साले। गाइस दो बंदे हाइड्रा के मर चुके हैं, ठीक है ये देखो धक धक हो रहा है भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है भाई क्या होगा पता भी नहीं, कहीं 16 पे एलिमिनेट ना हो जाए, पर दो बंदे हैं हो सकता है निकाल ले, अभी भी चांसेस है पूरे पूरे, क्योंकि जोन अपने पास ही था। ऋषभ भाई कैसा था पोजीशन, टॉप थ्री फाइव आ गए भाई, कैसे आ गए गाइस, टॉप फाइव आ चुके हैं हम लोग, हमारे अभी भी दो बंदे लाइव है भाई, पोजीशन भाई 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 सर्कल भी उनके फेवर पे जाएगा भाई, क्या पोजीशन में जा सकती है, बट नाम पर उसके ऊपर एक ग्रेनेड आएगा, टॉप 4 लेट्स गो, मैं ये देख रहा हूं कि टीम हाइड्रा को सरवाइव कैसे कर रहे हैं, इतनी सारी टीम उनके आसपास आपको देखने को मिलेगी, पर रुको वो रुकना नहीं चाहते, बैक टू बैक उन्होंने दो नॉक्स
काले, ये जोन और आ जाए भाई, बस ये जोन ब्रो, बस ये जोन चाहिए हमें। क्या वो चिकन डिनर निकाल सकते हैं? नहीं आया यार, ये जोन नहीं आया। चिकन डिनर आ सकता है बट टॉप फोर लेट्स सी। टॉप थ्री लेट्स गो, टॉप थ्री भाई। पता है मात्र छह खिलाड़ी है, वो तीसरा फाइनल अभी भी आप लेकर जा सकते थे, आपको फाइट लेनी चाहिए थी। स्ट्रेट और फेजोन का शिकार हुए और अब बसे मात्र एक आखिरी खिलाड़ी स्पोर्ट्स और एक शानदार उम्मीद नहीं थी भाई, हैशटैग थर्ड आ जाएंगे, हमें भी उम्मीद तब भी नहीं थी भाई, थर्ड भी आए बहुत आगे भाई। चिकन था, अगर स्प्रे कोड वो ना करता ना, हील बैटल ना करता, मैं भी हो सकता था। टॉप थ्री हम लोगों ने गैस नहीं, भाई लग नहीं रहा था मेरे को, जेन्युइन बताऊं तो, बट आगे बहुत बढ़िया है। मेरे को भी लग रहा था भाई, मेरे को भी लग रहा था भाई, फट की धक-धक हो गया था मेरे अंदर तो भाई फुल। सो गाइस फर्स्ट मैच ये है, पॉइंट स्टेबल, फिफ्थ पोजीशन पे हम लोग 12 पॉइंट के साथ। ये मस्ती अपनी गर्मी देते हुए ऋषभ भाई को बैंक आई। ये गाइस मेरे को लग रहा है ये दोनों ऐसे, तुम्हें पता नहीं ऋषभ भाई थोड़े से ये देख रहे हो, बट ये भी सत्य है कि ये शुरुआत है, ये मसाज दी जा रही है। ये दोनों फील ले रहे हैं गाइस आपस में, मैं बता रहा था, मैंने कहता था तुम लोगों को कि मस्ती भी गे और बकचोदी मत कर लो। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं लिफ्ट के अंदर, अब हम 7th फ्लोर जा रहे हैं। मैं मस्ती भाई से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई पूरी लगी मस्ती मस्ती। मान लो गाइस, गैस करो गाइस, क्या अगर मस्ती कूदेगा एक तो ये नीचे जाएगी गिरी, अबे ऊपर नहीं जा रही भाई, फंसते तो। अबे इतनी देर से हम खड़े हैं तो फर्स्ट में कैसे खड़ी है? दबा तो था वो, अच्छा दबा नहीं था, मैं सोचा धड़ाका भी नहीं हुआ भाई। तो गाइस हाँ पहुंच गए हम लोग सेफली, बचाओ मर गए एसीसी वाले, बचाओ। अरे भाई तू, ये तो अंधेरा अंधेरा, चल देख के भाई भूत भूत क्या, तू तू कहाँ ले आया तू मेरे को? सही बात है, भूत कंटेंट भूत का भाई, क्या सीन है? कुछ नहीं है तो खाली है फ्लोर पूरा, ये तो फ्लोर ही खाली है पूरा। ओ भाई चक दे फटे नब दे गिल्ली, वो इधर होगा शायद, ये देख, ये देख, हाँ यू देखो गाइस तुम लोग। ओ भाई रिवर, यहाँ पे ग्रैंड फाइनल्स, यहाँ पे मस्ती भाई, यस भाई मस्ती, अब पतला लग रहा है तो अपन है ही पतले यार। भाई व्यू तो बड़ा प्यारा यार, कुछ भी कहो। मेरे को लग रहा है उधर से एंट्री थी कहीं से, वो छोड़िए आगे। फर्स्ट फ्लोर हाँ, मोटा तो हो गया मोटा तो हो गया मैं, क्या लग गया मेरे? पर तुझे पता है मैं, मेरे को ना पहले मैं सोचता था मैं शर्ट में, अबे तू पतला है बस, तू पतला थोड़ा सा, तेरी तो ना रखी थोड़ी सी आ गई है बस, वैसे थोड़ी सी शर्ट खोल ले तू भाई, शर्ट ले जा सकता है ब्रो। दोनों ही मस्त लग रहे भाई, स्मार्ट तो है हम दोनों, बस तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी नहीं है। इमोशनल डैमेज। तो गाइस थर्ड मैच भी दूसरी टीम को जीत गया है, अब क्या करें, एंटी ही बोल सकते हैं भाई, क्या कहना चाहोगे आप? हो जाएगा अभी 15 मैच हो रहे हैं, 3 मैच कोई नहीं एंटी होता रहता है, कम्युनिकेशन हो रहा है थोड़ा लग रहा है मुझे, क्या हम पूछते पता नहीं बाहर कहाँ चले गए, कहीं और ही चले गए, कोई नहीं वीकेंड ही अपना रहता है, वीकेंड ही हाइड्रा की टीम का स्ट्रॉन्ग है इस मैच में, देखते हैं क्या चिकन सैनोग ही शेनोक था इस बारी, सबसे स्ट्रॉन्ग सैनोग ही है यार, वीकेंड ही निकालते हैं हर बार ये लोग, तो गाइस ट्राई करते हैं हम वीकेंडी का। लॉन्डे तो ऐसे मतलब डरे हुए तो नहीं है, पंपी है वैसे तो, बट ये क्या पता क्या सिचुएशन रह रही होगी, देखते हैं फोर्थ मैच। गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी कुछ खाने, ठीक है पीछे की तरफ, ऋषभ भाई ऋषभ भाई का फोन गिर गया पीछे, और ऋषभ भाई को पता नहीं, ऋषभ भाई वो जा रहे, देखो वो ऋषभ भाई आगे निकल गए, उनको पता नहीं उनका फोन पीछे गिर चुका है, हमें मिल गया है, अब देखते हैं क्या होगा, ऋषभ भाई की फटेगी और ना ही ये कुछ फेक प्रैंक है, ये रियल है। अभी ऋषभ भाई उठे ना, जैसे इनके ऐसे थाई के ऊपर पड़ा था फोन और वो गिर गया, अब देखते हैं उनकी फटेगी कैसी। ऐसे हम लोग खा पी के आ गए, फिर उसके बाद अब रियलाइजेशन हुआ ऋषभ भाई को, ये उनका फोन गिर, अभी गाली खाएगा पता है, क्योंकि अब मैच चालू हो चुका है और अब ये प्रैंक चालू हो रहा है, गाली खाएगा। गाइस रास्ते में मुड़वा लिया मस्ती ने वापस,
मुझे लग रहा है दे दिया गया है फोन वापस ऋषभ भाई को। और यहाँ पे फाइनल ऋषभ भाई का प्रैंक हो चुका है। कहाँ था फोन ऋषभ भाई? कहाँ था ऋषभ भाई फोन? कहाँ पे मिला? यहाँ फेंक के गए थे। अब यहाँ पे नीचे देख के क्या भाई, गिर गया होगा भाई लोग तो हमने उठा लिया था, हमने उसी वक्त सोच रहा था प्रैंक करेंगे। तीन टीम बची गाइस, 4v4v2, 10 बंदे अपने हाइड्रा के, चारों बंदे वर्सेस एंटिटी वर्सेस जेनिक। बढ़िया भाई, एक किल निकाल लिया गाइस हम लोगों ने। 4v3v2 की सिचुएशन, देखने वाली बात है। जोन के एडवांटेज हमारे पास ही अभी तक तो। आपकी सोचिए कितनी शांति हो गई है, नेड्स का इस्तेमाल करा जा रहा है, धक धक करने लगा हर एक टीम। वो डेस्परेट है कि वो यहां पे चिकन निकाल सके। और एक एचपी, एक और बुलेट का कनेक्शन, दो की गाड़ी शेष और सामने रहेगी ड्रॉ। देखने वाली बात रहेगी कौन जीतता है। अभी भी यहां पे रिवाइवल कर दिया चिकन को, ला 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 जाएगा ट्रॉ भी है सिटी चला सकता। लेट्स गो चिकन डिनर, लेट्स गो, कम बैक है भाई। एक बहुत स्ट्रगल फुल वाला दिन था यहाँ पे हाइड्रा का, बट उन्होंने आखिरी मैच में निकाला है वो बिना बिना चिकन डिनर। क्या हो गया भाई, क्यों स्पैम कर रहा है? अरे यार वो नीचे से आ रहा था ना, नीचे ना कोई फैन लोग बैठे, वो कह रहे हैं ऋषभ भाई से ऑटोग्राफ ला दो, मैं तो देख कर आ गया। ला दे अगर फैन है तो फिर ठीक है। क्या कर रहे थे आप? क्या नाम है? कसम भाई मस्ती क्या कर रहा है यार, अभी आया हूँ दिन भर से यार। सॉरी सॉरी कर लो काम कर लो। सॉरी सॉरी तो गाइस मेरे पास है तो ये आप ही कर ले, तो थोड़े आपका बिल ही मिल रहा है। हमारी चैन गुली की मैन गुली तो आप ही हो गाइस। आज का व्लॉग हम एंड करते हैं और इसी के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइस, और मस्ती जोन के दर्पण के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। मस्ती जोन के चैनल से जो भी लोग आ रहे हैं वो दर्पण को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल वाले भी सब दर्पण को सब्सक्राइब करना। दर्पण के 1 लाख कर देंगे गाइस, जिसमें दर्पण नंगा नाचेगा। ये कब बात हुई भाई साहब? मैं क्या हां तू हिला था ना? नहीं नहीं सच में हिला इसका इसका। चलो अभी अभी पहले पहले अभी इसका एंड तो बताओ कैसा था। मेरा भाई देखो नहीं यार कहाँ मोटा लग रहा है भाई, रूम थोड़ा आज ओवर ईटिंग हो गई थी, थोड़ी सी रूम छोटा है। नहीं नहीं थोड़ी सी थोड़ी घर से बना बेटा। चलो बाय 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 गाइस।